सो हेलो हाय। तो फिर से हम जा रहे हो जाए, आज भी आज हम जा रहे बीनू के साथ में हो जाए। तो बीनू के कॉलेज में कुछ काम है, बीनू के कुछ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह देनी है, तो वही लेने जा रहे हैं हम दोनों। और साथ में मेरा भी कुछ काम है, तो दोनों का ही काम हो जाएंगे। तो इसके साथ में आज के ब्लॉग और दिन को स्टार्ट करते हो, तो चलते हैं। मैं रास्ता तक निकल जाती हूँ अभी। तो मैं तो यहीं पे वेट करती हूँ बीनू को अपने घर में, वो दीदी का दुकान पे। और ये देखें, इतना छोटा सा हमने फूल भी ये पॉट में सजा के रखा हुआ है, कितना अच्छा। एक्चुअली ये नूडल्स का डब्बा था, तो इसमें हमने फूल लगा दिया है। ऐसे अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीन स्पाइडर प्लांट लगा दिया इसमें। तो हम बस से जाएंगे, दीदी भी आएगी, तब तक मैं भी जाती हूँ रास्ता तक गाड़ी के तल। सो बाई वाले फिर से हम जा रहे हैं बस में। अभी ये बस ना मिलने वाली बस था पुराना, लेकिन एक हफ्ते जैसे हो रही है नई है, मतलब सेम वही है बस है, पर बस नया है। सो जा रहे हैं आज कॉलेज में ठीक से। बहुत ही दिक्कत, एक बार भाई तो बोलो यार। देखो बस कितने चमक रहे नए नए, देखो मतलब सीट की प्लास्टिक वगैरह अभी भी गई नहीं है, अभी भी नया हुआ है, लेकिन पैसेंजर है नहीं। अपने अपने हो गए। अभी तो मैं एटीएम पे आई हूँ पैसा निकालने के लिए, तो पहले बीनू निकले, उसके बाद में बेबी निकालेंगे, उसके बाद में जाएंगे हम बीनू के कॉलेज, फिर आज पैसा निकालेंगे। खत्म हो गया, कितना अच्छा ग्लास है, अलग अलग है एटीएम में। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं बीनू के कॉलेज, हो जाए गर्ल्स कॉलेज में। तो अभी पहले हम जाएंगे हॉल की तरफ, उसके बाद में देखेंगे ऊपर नीचे। ये रहा बीनू की हो जाए गर्ल्स कॉलेज। सो फाइनली पहुंच गए बीनू के कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज पे। तो बीनू की आज लास्ट डे हो गई इस कॉलेज में। बीनू ने अपना डिग्री कंप्लीट इसी कॉलेज में किया था, तो अभी सर्टिफिकेट के लिए नहीं आई है, वो एम ए लेंगी, वो दूसरे जगह पे लेगी अभी दूसरा कॉलेज में। तो यहाँ पे तो बीनू की कंप्लीट हो चुकी है पढ़ाई, तो आज सर्टिफिकेट मिल जाएगी, तो दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेगी। तो अभी क्लास भी चल रहा है, तो यहाँ पे ऑफिस में रुका हुआ है, यहाँ पे जो मैम है आई नहीं, तो उसके बाद भी देखते हैं। सो बीनू आज तो कॉलेज के लास्ट डे है, कैसे लग रहा है मन को? दुख लग रहा है। क्यों दुखी हो रहा है बीनू को? मतलब आज दिन का लास्ट डे हो गया ना यहाँ पे। ऊपर है, ऊपर मेरी क्लास है, और पीछे भी है, तो हम पीछे गए नहीं, हम पीछे जाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे बीनू का कॉलेज। ये तो पुराना टाइप का है, गेट मेन गेट के सामने। सकाचा नर्सिंग क्लास में फिर कौन तो सुना बा बड़ा सुनी की। ये रहा बीनू की कॉलेज, मिल गए आपका सर्टिफिकेट भी मिल गई है। अभी ये दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेके लास्ट है, तो यहाँ पे एक किक भी हो जाए। लेकिन एक बात है, सर्टिफिकेट तो मिल गई, लेकिन उसका मार्कशीट अभी तक आई नहीं, तो मिला नहीं है, तो फिर से बीनू का फिर से हाँ तो ये लास्ट सोचे थे इस कॉलेज में, पर अभी मार्कशीट मिले और फिर नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, तो अभी तक आई नहीं है। इसके साथ में एक सेल्फी हो जाए। बाय बाय बीजू का, बीनू का कॉलेज में आयु। सो अभी हम जाएंगे, मेरे जो काम है सिलाई के कुछ सामान खरीदनी है वो खरीदेंगे, उसके बाद में बीनू का कुछ काम है विशाल मेगा में, फिर से जाएंगे वहाँ पे। तो बहाना हो गया ना दोनों के। अभी हम लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, ये थोड़ा गली गली होके आ रही है। तो अभी
अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, हो जाए रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन होके शॉर्टकट इस तरफ से जाएंगे हम, ब्रिज पार होके, नहीं तो मेन रोड होके जाएंगे तो घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ से शॉर्टकट जा रहे थे, थोड़ा पैदल जाएंगे यहाँ से। तो आ गए हम विशाल मेगा में, थोड़ा कुछ अपनी समय दिनों ने रियल जूस वगैरह ले लिया, और मैं क्या भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर तो सारे टिफिन बॉक्स वगैरह है, देखते हैं क्या क्या लेते हैं, क्या रहे नीचे अभी में, क्या हो गया तो बाहर कितना अंधेरा लग रहा है। ये क्या हो गया देखो, विशाल के अंदर आई, उसके बाद में इतना जोर बारिश, देखो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, हमें तो डर ही लग रहा है बारिश को देख के, फंस गए हम यहाँ पे। तो देखिए हम आए एक होटल में, अभी पूरी छोले भटूरे खाने के लिए, भूख लग रही बहुत सारे, और हम कितना गीले हो गए दिख गई में, बिनी तो सेफ है थोड़ा, कुछ छाता पकड़ा था ना तो इसलिए मैंने सारे गीले हो गए। जीनू कह रहे खुद के लिए छाता अच्छे से पकड़ के ले आए, वो तो सेफ है, देखो उसका तो गीले हुई नहीं है। आ गए हमारे, देखिए देखो छोले भटूरे और ये पूरी गर्मा गर्म, आओ गर्मी गर्म, देखो धुआं निकल रही है इसके, तो कलो कलो जीनू को ना एक अंकल ने हम दोनों को एक एक लॉलीपॉप दिया है, देखो देखो तेरा लॉलीपॉप किधर है, लॉलीपॉप लॉलीपॉप। हमेशा जब भी मैं इस रोड को क्रॉस करती हूँ तो ऐसे रेल गेट बंद मिलते हैं, तो आज तो फाइनली हम लोग पैदल जा रहे हैं तो हम लोग क्रॉस कर सकती है, गद्दी वगैरह में जाएगा तो प्रॉब्लम होती है। तक ले हमारे मन, हाँ कितना लेट। सो ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन है डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक मुंबई तक जाएगी, ये डिब्रूगढ़ से मुंबई तक। हाँ खोल दिया खोल दिया खोल दिया, अभी देखो कैसे, वो बाप रे बाप कितना जाम लग गए। चलो हम लोग, पहुँचने वाले इतना भीड़ था ना साथ में, इधर से भी एक टिकट पे आई हूँ, इससे स्पेस की खराब हालत दिखे। बाय बाय टाटा। तो चलिए, मतलब हजय से आते आते थोड़ा लेट भी हो गई थी, और इतना जोर बारिश वगैरह हुआ था तो इसलिए आके मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया, तो उसके बाद भी थोड़ा बिजी हो गई थी घर पे सिलाई बुनाई के काम पे। तो अभी फ़िलहाल तो रात हो गया, खाना वगैरह खा लिया, आज के दिन भी ख़त्म हो गई। सो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते कल फिर सबको, तो आज के लिए सबको हो गई, गुड नाइट।